दो आदमी अपाची से आया है, उसके बाद में हमको धक्का देकर वो हमको धकेल लिया। जब तक हम इतने में आवाज़ लगा रहे हैं, डिक्की पर हाथ से मारा है और उसके बाद पैसा निकाल के भाग, हम चिल्ला रहे हैं। जब तक वहाँ से बहुत तेज़ी से अपाची से दो आदमी था और भाग गया है। कई ऐसे यहाँ के स्थानीय लोग हैं लगातार अब प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर यहाँ की स्थानीय प्रशासन क्या कर रही है। एक चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं और इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उसके बाद अभी तक उनकी खोजबीन चल ही रही है और तुरंत दूसरे घटना को अंजाम दे दिया जा रहा है। आपको ये बता दें कि इनके घर में एक बच्ची की शादी थी, अब परिवार में भी बिल्कुल गम और मातम का माहौल है। कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चोर की शनाख्त और पहचान हो सके कि आखिर वो चोर कौन है। ढाका में दिन दहाड़े इस तरह के बड़े घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़, मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के ढाका ब्लॉक परिसर में। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार हम आपको एक ही रिपोर्ट दिखला रहे हैं कि ढाका में चोरी की जो घटना है बढ़ती ही जा रही है। कभी ज्वेलर्स के दुकान में चोरी हो रही है, तो कभी बैटरी के दुकान में चोरी हो रही है, तो कभी बर्तन के दुकान में चोरी हो रही है। आज ढाका में बेखौफ अपराधियों ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिसे सुनकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। ढाका प्रखंड अंतर्गत परसा गांव के निवासी जवाहरलाल शाह, जिनके घर में बेटी की शादी थी, वह बैंक से पैसे लेकर के ब्लॉक परिसर के अंदर बिल्कुल ठीक इसी जगह पर आए थे और किसी काम से वह ब्लॉक परिसर के अंदर जैसे ही गए और थोड़ी देर के बाद ही जब ब्लॉक परिसर से वो बाहर निकले, उनके डिक्की से 6 लाख रुपया लेकर अपराधी बिल्कुल फरार हो गए। पिछले वीडियो में भी हमने आपको दिखलाया था कि यहाँ के जो स्थानीय जो दुकानदार है उनके अंदर बिल्कुल दहशत का माहौल है, लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे थे। कई ऐसे दुकानदार हैं, कई ऐसे यहाँ के स्थानीय लोग हैं लगातार अब प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर यहाँ की स्थानीय प्रशासन क्या कर रही है। एक चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं और इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उसके बाद अभी तक उनकी खोजबीन चल ही रही है और तुरंत दूसरे घटना को अंजाम दे दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि ढाका आज़ाद चौक पे 2 महीना पहले के रहमान टी ड्राई फ्रूट सेंटर, जो काफ़ी यहाँ की मशहूर दुकान है, दिन दहाड़े वहाँ पर हथियार के बल पर कई लाख कैश को लूट कर चोर फरार हो गए थे और आज एक बार पुनः उस तरह के घटना को अंजाम दिया गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पे चोर इतने बेखौफ थे, उनके अंदर डर नाम का कोई चीज़ नहीं था। अब आपको बता दें कि बिल्कुल ये ब्लॉक परिसर है और प्रखंड अंचल कार्यालय है और यहाँ से इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आपको ये बता दें कि इनके घर में एक बच्ची की शादी थी, अब परिवार में भी बिल्कुल गम और मातम का माहौल है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध होगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चोर की शनाख्त और पहचान हो सके कि आखिर वो चोर कौन है। ढाका में दिन दहाड़े इस तरह के बड़े घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं। घटना के बारे में बताइए, किस तरह घटना? ढाका बैंक से 6 लाख रुपया स्टेट बैंक से पैसा निकाल करके मोटरसाइकिल के डिक्की में रख लिए हैं। कितना रुपया निकाले? 6 लाख रुपया निकाले। अच्छा। और मोटरसाइकिल पर बैठ के, दो लड़का था मेरा और हम थे, ब्लॉक के पास आ गए हैं गेट पर। गेट पर मेरा एक लड़का मोटरसाइकिल पर था, एक चार डेंग पीछे हम थे। जब तक डिक्की तोड़ के अपाची से आया था बदमाश दो आदमी। किस जगह पर डिक्की तोड़ा गया? गेट के बगल में, ब्लॉक के सामने, गेटे पर। आपका नाम क्या हुआ? जवाहरलाल प्रसाद। कहाँ का रहने वाले? परसा के। अच्छा, इसमें आप अभी ढाका थाना में आवेदन दिए हैं कि नहीं? जी ना, अभी तो नहीं दिए हैं, लेकिन प्रशासन लोग आए हुए। स्थानीय प्रशासन से क्या मांग करेंगे? अभी तो खोजबीन करने के लिए BDO से जांच की मांग की जा रही है कि उनको पता लगाया जाए। नहीं, कोई शनाख्त किए हैं आप? अभी तक पहचान नहीं है, लेकिन वीडियो कैमरा में देखने की कार्यक्रम चल रहा है। एक अथी आया है, उसका मिला है क्लिप, फोटो उस एक आया है मोबाइल में। हम बाइक पर बैठे हुए थे, दो आदमी अपाची से आया है, उसके बाद में हमको धक्का देकर वो हमको धकेल लिया। जब तक हम इतने में आवाज़ लगा रहे हैं, डिक्की पर हाथ से मारा है और उसके बाद पैसा निकाल के भाग, हम चिल्ला रहे हैं। जब तक वहाँ से बहुत तेज़ी से अपाची से दो आदमी था और भाग गया है। जो दो आदमी थे उनकी उम्र कितना रही होगी? एक का लमसम 17-18-20 रहा होगा। ज़्यादा उम्र का नहीं था, 20-22 के, 30 का एवरेज का उम्र था। क्या आप 25-30 युवा क्या मांग करेंगे स्थानीय प्रशासन से? स्थानीय प्रशासन से ही मांग करेंगे, हमारी पैसा मिलनी चाहिए। उम्मीद है यहाँ के स्थानीय प्रशासन पर आपको?
अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। काम कर रहे हैं।